छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा मध्य भारत पेपर मिल बिरगहनी चांपा की माली हालत खराब होने से प्लांट बंद कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर काटते थक गए हैं। इधर प्रबंधक भी कर्मचारियों की सुनने को राजी नहीं हो रहे हैं। इससे परेशान होकर सैकड़ों कर्मचारियों ने श्रम विभाग का घेराव कर दिया। अधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कर्मचारी वापस लौटे। मध्य भारत पेपर मिल संचालित मिल की माली हालत खराब होने के कारण प्रबंधक ने मिल को बंद कर दिया है। इसके चलते प्लांट में कार्यरत 145 कर्मचारी व 200 ठेका कर्मचारी बेकार हो गए हैं। रेगुलर कर्मचारियों को 4 माह से कोई वेतन नहीं मिला है। वहीं ठेका कर्मचारियों को बीते 8 महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। इसके चलते कर्मचारी अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। कर्मचारी श्रम विभाग व अन्य दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने पर वह उग्र आंदोलन की राह अपनाएंगे। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से घर की हालत बहुत खराब हो गई है। बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। घर का राशन चलाना मुश्किल हो गया है। कहां से आए हैं और क्या करने हैं? हम मध्य भारत पेपर मिल के कर्मचारी हैं। हमको 3-4 महीना से पिछले 2018 का भी मार्च महीने का पेमेंट बचा है उसको भी नहीं दे रहा है मैनेजमेंट ने, और हमारे जो लंबित है ओवर टाइम का जो 3 साल का उसको भी नहीं दे रहा है, और अभी 4 महीने का हम लोग को पेमेंट बाकी है। कभी पेमेंट कर देता है कभी नहीं करता है। हम लोग त्रस्त हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, और हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं हमारी अनसुनी कर रहा है। यहाँ तक हम आते हैं तो यहाँ बोलता है कि हमने हर महीने पेमेंट कर देते हैं हर वर्कर का, वहाँ जाते हैं तो करते नहीं है। यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हम 14 तारीख को कर देंगे पेमेंट, लेकिन वहाँ जाके कानून के यहाँ का बात को भी नकार देते हैं और हमारे साथ मनमानी ढंग से शोषण कर रहे हैं। इसलिए अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग श्रम कार्यालय आए हैं। श्रम कार्यालय आके हमारे जो LC है उनको हम अभी ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे, और मांग रखने के बाद हम लेके ही रहेंगे मैनेजमेंट से पैसा। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलन में उग्र करेंगे, हाँ पूरा कंपनी बंद करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। जो हमारे आगे प्रतिनिधि आएंगे जो जो ऐसे आते जाएंगे हम करते जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद राम साहू। मध्य भारत पेपर मिल के समस्या ये है, जो श्रमिक आए थे उनका भुगतान लगभग 3 या 4 महीने से नहीं हुआ है। क्योंकि मध्य पेपर भारत पेपर मिल भी बंद है, काम नहीं हो रहा, लेकिन बंद उन्होंने नहीं किया है और उनको वेतन दे रहे हैं, लेकिन वेतन का भुगतान 3-4 महीने से नहीं हुआ हो रहा है। पिछले अभी कुछ दिन पहले उनकी हम एक बैठक लिए थे यूनियन और मध्य भारत पेपर मिल के जो प्रबंधन है, तो ये बात हुई थी कि हम भुगतान कर देंगे, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ। मेरे द्वारा उनको श्रमिक लोगों को ये सलाह दी गई थी कि आप अपना भुगतान के संबंध में एक आवेदन दें, किन मजदूरों का कितना पैसा कितने दिन का बाकी है, ताकि स्वर्णकालीन कार्रवाई कर सकें। तो मजदूरों के ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा ये बताया गया कि नहीं सर, आउट ऑफ कोर्ट का ही भुगतान करा दे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि न्यायालय में जाने से पकड़ लंबा जाएगा। लेकिन अभी तक उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। आज पुनः वो प्रबंधन के पास गए, फिर हमारे पास आए, फिर आज उनको मैंने फिर सलाह ये दी कि आप उनको, आप जितने श्रमिक हैं ये लिख के दें कितने दिन का मजदूरी भुगतान हुआ, टाइम जो भी आपका भुगतान बचा हुआ है आप हमें सब श्रमिकों का लिख के दें, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इसी तरह ठेका श्रमिकों की बात है, जैसा आज बता रहे कि 8-8 महीने का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि ठेका श्रमिकों का जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा मिलेगा, लेकिन कितने दिन का पैसा भुगतान है वो भी अभी जानकारी ठेका श्रमिक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब वो लिख कर के देंगे तो हमारे द्वारा भी कार्रवाई की जा सकती है और श्रमिक स्वयं भी न्यायालय में जाके अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह सलाह दी गई है कि 1-2 दिन के अंदर आप जो भी जानकारी, कितना मजदूरी भुगतान, कितने लोगों का, मजदूरों का कितने दिन का भुगतान किया जाना चाहिए, उसकी एक लिखित जानकारी हमको, विस्तृत जानकारी दें, ताकि हम प्रबंधन को नोटिस भेज करके उनके भुगतान की कार्रवाई संबंधी हम कार्रवाई कर सकें। क्या कहेंगे आप? श्रम विभाग के मुखिया, श्रम विभाग के अधिकारी हैं, सभी आपके पास आए, किस तरह से उनको न्याय दिलाया जाएगा, किस तरह से उनका? नहीं, जैसा कि मैं बताया हूँ कि अभी उनको यही बोला गया, मेरे पास ऐसा कोई अभी आवेदन प्रस्तुत नहीं किए थे। जैसा कि बताया ना, पिछली बार भी बैठक हुई थी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में, तो बात मैंने यही कहा था कि आप लिख के दो ना कितने दिन का मजदूरी भुगतान है, हम न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे।
तो उनके द्वारा यही मना किया गया कि सर न्यायालयीन कार्रवाई ना की जाए, आउट ऑफ कोर्ट ही भुगतान हो जाए बेहतर है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, टाल मटोल किया जा रहा है। तो इसीलिए उनसे कहा गया कि आप जितने श्रमिक का काम करते हैं उनका एक लिखित प्रतिवेदन हमको लिखित पत्र प्रस्तुत करें, ताकि हमको नोटिस भेज करके और भुगतान की कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि जब न्यायालयीन कार्रवाई। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।